जय हिंद। आपके अपने चैनल न्यू स्टडी 24 के ब्रह्मास्त्र सीरीज में डे 27 का जो टेस्ट सीरीज जो आयोजित किया गया था उसका हम एक्सप्लेनेशन वीडियो लेके आए हैं। देखिए ब्रह्मास्त्र सीरीज के द्वारा जो है आपको जो है रेगुलर जो है 3 वीडियो जो है आपको प्रदान किए जाते हैं। फर्स्ट वीडियो आपको सुबह में 6 बजे मिलता है जो कि गाइड वीडियो के नाम से आता है, और दूसरा वीडियो जो आपको 4 बजे शाम में आता है। इसमें क्या करिए, आप OMR शीट पर जो है आपको आंसर करना है, और वीडियो के लास्ट में जो है आंसर की रिलीज किया जाता है उसमें आपको चेक करना है, और आपको जो है कमेंट करना है कि आज आपने जो है कितना सही क्वेश्चन किया है। जो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर सही करेगा उसको जो है अपने वीडियो के जो है स्क्रीन पर जो है शुरुआती में लगाया जाएगा, और उसके बाद आपको जो है 9 बजे रात में जो है एक्सप्लेनेशन वीडियो जो है लेकर आते हैं, जैसा कि अभी हम लेके आए हैं। तो ज़्यादा ना देर करते हुए चलते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन था ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा 87वां। और 87वां स्थान प्राप्त होने के साथ ही जो है 13 पायदान गिरकर जो है नीचे चला गया है। देखिए अगर बात करें कि 2020 के जो है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में जो भारत का स्थान कितना था, तो उसमें जो है उसका स्थान जो है 74 था, यानी 74 था। और वही अगर बात करें 2019 के इंडेक्स में तो वहाँ पर जो है 76 था। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो इंडेक्स है वो जो है किसके द्वारा जो है जारी किया जाता है। तो ये इंडेक्स जो है WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो है इसे जो है जारी किया जाता है। अगर पूछ दे कि भाई इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। अगर पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो है 1971 ईस्वी में हुई थी। और देखिए ये जो टॉपिक जो है ये इंडेक्स का WEF, ये आपको जो है मेन्स के जो है इकोनॉमिक सेक्शन जो है उसके दृष्टिकोण से भी जो है इम्पोर्टेंट है। देखिए यह जो रैंकिंग हुआ था ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है उसमें जो 115 देशों पर जो है किया गया था, और इसमें जो है अगर बात करके 2021 के इंडेक्स में प्रथम स्थान जो है किसने लाया है, तो ये जो है स्वीडन लाया है। अगर बात करें तो देखिए स्वीडन जो है पिछले जो है 4 साल से लगातार जो है फर्स्ट स्थान पर रहा है। अगर पूछते कि इसका कारण क्या है, तो देखिए वहाँ के लोग जो है एनर्जी की दिशा में जो काफ़ी जागरूक है, जिसके चलते क्या होता है अगर वहाँ पर उन्हें जो है लाइट की आवश्यकता नहीं हो तो वो क्या कर देते हैं, स्विच को जो है ऑफ कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, तो वहाँ पर जो है एनर्जी जो है उसको जो है बचत होता है। अब आइए दूसरा क्वेश्चन है, मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च जो है निम्नलिखित में से किस वर्ष में होगा। आपको ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें चूज करने के लिए बोल रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 2022 में। देखिए जब मंगल मिशन आया तो याद रखना है आपको कि मंगल ग्रह को जो कौन ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, तो मंगल ग्रह को जो लाल ग्रह के भी नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि प्रथम मंगल मिशन यानी Mars 1 जो है 1 नवंबर 1962 को जो है प्रक्षेपित किया गया था। अगर बात करें भारत के संदर्भ में, तो देखिए भारत के संदर्भ में भारत जो है मंगलयान MOM को जो है 24 सितंबर 2014 को जो है मंगल की कक्षा में जो प्रवेश कराया था, और वो भी सफलतापूर्वक एवं बहुत ही कम खर्च में परीक्षण हुआ था। सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला पहला एशियाई देश था जो कि ऐसा जो है कर पाया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने चक्र तृतीय आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, रूस हो जाएगा। देखिए यह जो अनुबंध है, अगर पूछते कि यह अनुबंध कितने वर्ष के लिए हुआ है, तो यह अनुबंध जो है 10 वर्ष के लिए जो है हुआ है। अब चौथा क्वेश्चन है, इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास किया गया, बोल रहा है कि कहाँ पर किया गया, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, बेंगलुरु में किया गया था। अगर पूछ दे कि यह शिलान्यास जो किसकी अध्यक्षता में किया गया, तो यह शिलान्यास जो है के सिवान की जो है अध्यक्षता में जो है यह शिलान्यास जो है किया गया था। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन है, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए पहला कथन है यह 2 चरणों में चलने वाली मिसाइल है, तो ये बात सही है। अब दूसरा है इसकी उड़ान क्षमता 290 किलोमीटर तक है, ये भी बात सही है। अब तीसरा है कि यह प्राध्वनिक गति से चल सकती है, सही में जो है यह प्राध्वनिक गति से चल सकती है। और इसका जो मूल मंत्र है एक तो क्या है, तो दागो और भूल जाओ, मतलब एक बार जिसको जो आप लगा दिए नष्ट होना जो है निश्चित है।
तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4 सभी। अब देखिए छठा क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर इंजीनियर कौन है। बोल रहा है कि फाइटर इंजीनियर कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, हीना जायसवाल। देखिए इसमें जो है आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इंजीनियर लगाया है। अगर वही पूछ देता कि भारत की प्रथम फ्लाइंग कमांडर कौन है, तो आपको आंसर क्या देना था, एस धामी। अब देखिए कुछ जो है महिला फाइटर पायलट भी है, उसका नाम बता देते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्रथम इसमें नाम आता है भावना कांत की, और ये जो है ये बिहार से ही है और दरभंगा निवासी है, और दूसरा जो है ये है मुहाना सिंह, और तीसरा है अवनी चतुर्वेदी। अगर पूछ दे कि महिला फाइटर पायलट कौन है, तो तीन है, भावना कांत, मुहाना सिंह और अवनी चतुर्वेदी। अब देखिए सातवां क्वेश्चन है, DRDO जिसे जो हम रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहते हैं, उसके द्वारा जो विकसित मानव रहित टैंक का नाम क्या है, तो उस टैंक का नाम क्या है, तो मंत्रा है, आंसर नंबर बी है। देखिए जब भी DRDO की बात आती है तो उसका वर्तमान प्रमुख से जो है क्वेश्चन जो है करेंट के दृष्टिकोण से जो है पूछा जाता है, और दूसरी जो है स्थापना से जो है आपको याद रखना आवश्यक है। अगर पूछ दे कि DRDO की स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद रखना है 1958 ईस्वी में। अगर पूछ दे कि ये जो मंत्रा टैंक जो है ये तो DRDO जो है विकसित किया था, लेकिन पूछ दे कि इसके अलावा भी DRDO ने कौन कौन से टैंक बनाया है, तो देखिए इसके अलावा भी DRDO ने अर्जुन टैंक बनाया है, और उसके बाद जो है कर्ण टैंक भी बनाया है। अगर पूछ दे कि कर्ण टैंक जो है किसके साथ मिलकर बनाया है, तो देखिए अर्जुन जो अपना जो है DRDO का, और उसके बाद जो रूसी T-20 को जो है मिलाकर जो है निर्माण किया है, किसको, तो कर्ण टैंक को। अब देखिए आठवां क्वेश्चन है, आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, माउंट आबू में। देखिए इसके अलावा भी जो है कुछ महत्वपूर्ण जो है अकादमी जो है, तो उसका नाम बता देते हैं। देखिए फर्स्ट है नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA, ये जो है खरगवासला में है, और दूसरी जो है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ये देहरादून में है। तीसरी जो है आर्मी कैडेट कॉलेज, ये जो है देहरादून में ये भी है, और एयरफोर्स एकेडमी ये हैदराबाद में है, और आर्म्स फोर्सेज मेडिकल कॉलेज जो है ये पुणे में है, और नेवल शिपराइट स्कूल जो है ये विशाखापट्टनम में है। अगर बात करें कि आर्मी फोर्सेज मेडिकल कॉलेज कहाँ है, तो ये जो मऊ में है, और स्कूल ऑफ आर्टिलरी की अगर बात करें तो यह जो है देवली में है, और नेवल एकेडमी की बात करें तो यह जो कोची में है। इसके अलावा भी अन है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उसका जो हम नाम बताए हैं। अब देखिए नौवां क्वेश्चन है, ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, सौर ऊर्जा। और अगर बात कर दे कि सूर्य एवं अन्य तारों से प्राप्त ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा का स्रोत कौन सी अभिक्रिया है, तो आपको आंसर क्या देना है, आपको आंसर देना है नाभिकीय शैलन। और ये नाभिकीय शैलन अभिक्रिया जो है ये हमेशा चलती रहती है, आपको ये भी याद रखना है। अगर पूछ दे कि कौन सी अभिक्रिया हमेशा चलती रहती है, तो नाभिकीय शैलन अभिक्रिया जो है ये हमेशा चलती रहती है। अब देखिए दसवां क्वेश्चन है, कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतया मतलब पूरी तरह से भारत के द्वारा निर्मित किया गया है, तो यह जो है सी नंबर का आंसर कल्पक्कम। और अगर कल्पक्कम के बारे में बात करें तो यह जो है कल्पक्कम जो है ऊर्जा केंद्र यह तमिलनाडु में स्थित है, और अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1971 ईस्वी में हुआ था, और इसका जो है एक संक्षिप्त नाम भी है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसका संक्षिप्त नाम क्या है, तो देखिए कल्पक्कम ऊर्जा केंद्र का संक्षिप्त नाम जो है कामनी के नाम से भी जो है इसे जो है जाना जाता है। अगर बात करें कि यह ऊर्जा केंद्र का उद्देश्य क्या है, कि उद्देश्य की बात करें तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से संबंधित जितने भी अनुसंधान एवं विकास कार्य होते हैं वो जो है उनका उद्देश्य है। और आज जो है भारत विश्व में जो है अगर बात करें तो 16वां और विकासशील देश में पहला है जिसके पास जो है ये रिएक्टर है, तो आपको ये सारे जो है इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब देखिए 11वां क्वेश्चन है, नासा के मानव रहित यान जूनो ने किस ग्रह का परीक्षण किया। देखिए मानव रहित बोल रहा है मतलब इस यान में जो है मानव नहीं था, मानव रहित है, और बोल रहा है कि यह जो है किस ग्रह का परीक्षण किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, बृहस्पति। और अभी जो है हाल में ही 2 से 3 दिन पहले न्यूज में आया था कि ये जो यान जो है जूनो, उन्होंने बृहस्पति के सबसे बड़े चांद की तस्वीर जो है भेजी है, तो आपको ये जो याद रखना है करंट से रिलेटेड है। अब देखिए 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्रालय का विभाग है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा तीनों हो जाएगा, रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग और रक्षा उत्पादन विभाग, तो 1, 2, 3 ये रक्षा वित्त विभाग नहीं है।
अब देखिए 13वां नंबर का क्वेश्चन, नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, न्यूट्रॉन के कारण होता है। देखिए नाभिकीय विखंडन के समय क्या होता है, तो नाभिकीय विखंडन में जो एक भारी नाभिक को जो है न्यूट्रॉन का जो प्रग्रहण करके जो है दो हल्के नाभिक में जो है तोड़ा जाता है, और इसमें जो है क्या होता है, इस विखंडन के पश्चात जो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन और अल्फा किरण बीटा किरण और गामा किरण जो है की जो ऊर्जा है वो जो बहुत ही मात्रा में जो है रिलीज होती है। अब देखिए 14वां क्वेश्चन है, विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा 6 अगस्त 1945 को। अगर बात करें कि सर्वप्रथम जो परमाणु बम कहाँ गिराई गई थी, तो आपको आंसर देना है 6 अगस्त 1945 को, यहाँ पर तो हिरोशिमा पर। अगर पूछ दे कि नागासाकी पर कब गिराया गया था, तो आपको याद रखना है 9 अगस्त को। 6 अगस्त को कहाँ पर, तो हिरोशिमा पर, और 9 अगस्त को नागासाकी पर, और वर्ष कौन सा था, तो 1945। और उस परमाणु बम के कारण जो है आज भी वहाँ के लोग जो है इस प्रभाव को जो है झेल रहा है। अगर बात करें कि सर्वप्रथम परमाणु बम किसने बनाया था, तो आपको आंसर देना है ओपेनहाइमर ने जो है बनाया था। और एवं परमाणु सिद्धांत की बात करें किसने दिया था, तो यह जो है ऑटो होन ने दिया था। अगर पूछ दे कि बम गिराने से पूर्व जो है इसका परीक्षण कब किया गया था, तो बम गिराने से पूर्व जो है 16 जुलाई 1945 को जो है परमाणु बम का परीक्षण जो है मैक्सिको के अल्मोगाडो में जो है किया गया था। अब देखिए 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो धर्मी तत्व नहीं है, तो देखिए यूरेनियम रेडियम और थोरियम जो है रेडियो धर्मी तत्व है, लेकिन कैडमियम जो है ये जो है रेडियो धर्मी तत्व नहीं है। क्यों, तो देखिए कैडमियम की जो छड़ जो होती है ये रिएक्टर में जो है विखंडन की दर को जो है कम करती है, यानी नियंत्रित करती है, और वे क्या करते हैं, तो ये जो है न्यूट्रॉन के अच्छे अवशोषक होने के कारण जो है जब इसे जो है रिएक्टर के अंदर जो डाला जाता है तो क्या कर देता है, तो विखंडन को जो है कम कर देता है, तो इसलिए क्या होगा ये जो है रेडियो धर्मी तत्व जो है नहीं होगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अब देखिए 16वां क्वेश्चन है, CTBT एक पद है जो कि संबंधित है किससे, तो यह जो नाभिकीय शस्त्र से जो है ये जो है संबंधित है। अब देखिए 17वां क्वेश्चन है, वैद्युतिक ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसे कहा जाता है पैदा की जाती है किससे, तो ये जो है यूरेनियम से की जाती है। इसके अलावा जो है प्लूटोनियम अगर रहता तो प्लूटोनियम भी आप दे सकते थे, यूरेनियम और प्लूटोनियम, और इसके द्वारा ही जो है क्या कहे तो इसके द्वारा ही जो है बिजली बनाई जाती है। वैद्युतिक ऊर्जा का मतलब ही हुआ आप बिजली भी इसे जो है बोल सकते हैं। आइए आप देखते हैं 18वां क्वेश्चन, यूरेनियम से क्या बनता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो अभी बताए बिजली, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा बिजली हो जाएगा। अब देखिए 19वां क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा परिवर्तन होता है किसमें, तो देखिए अभी हम बताए थे कि नाभिकीय विखंडन में क्या होता है। देखिए नाभिकीय ऊर्जा जो है किसी भी भारी पिंड को जो है अलग अलग नाभिक में तोड़कर अल्फा बीटा गामा किरणों के रूप में जो विशाल एनर्जी जो है पैदा किया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा पिंड का जो है ऊर्जा में। अब देखिए 20वां क्वेश्चन है, इनसेट 2A कब छोड़ा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 10 जुलाई 1992 में। और अगर बात करें इनसेट 2A के बारे में, तो यह उपग्रह जो है इसरो के द्वारा जो है निर्मित किया गया था, और यह जो है प्रथम उपग्रह था इसरो के द्वारा निर्मित, और इसका जो सफल प्रक्षेपण जो है किसके द्वारा किया गया था, तो उसमें जो है एरियन जो था उसमें डालकर जो है किया था। अब 21वां क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को, किसकी सहायता से, तो सोवियत संघ की सहायता से। अब 22वां क्वेश्चन है, जुलाई 2019 में अंतरिक्ष यान जो कि आप लोग को भी पता होगा चंद्रयान 2 को किस भारतीय राज्य से प्रक्षेपित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा आंध्र प्रदेश से। और इसको जो है 22 जुलाई 2019 को जो है हरिकोटा के रेंज से जो है प्रक्षेपित किया गया था। अगर बात करें कि चंद्रयान 1 को जो कब लॉन्च किया गया था, तो चंद्रयान 1 को जो 2008 में जो है लॉन्च किया गया था, और इसको जो चंद्रमा की सतह पर जो है उतारा गया था। हालांकि चंद्रयान 2 जो है ये मिशन जो है असफल हो गया। 23वां क्वेश्चन, पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था वह कौन है, मतलब उसका नाम बोल रहा है, तो देखिए उस अभियान में जो है जिस अभियान के द्वारा जो चांद पर जो पैर रखा गया था उस अभियान में कुल जो है 3 व्यक्ति थे। फर्स्ट थे नील आर्मस्ट्रांग, दूसरा थे एडविन एलिडरन, और तीसरा थे माइकल कॉलिंस। लेकिन सिर्फ 2 व्यक्ति ही जो है
सबसे पहले जो है कदम रखा था। माइकल कॉलिंस जो है यान में जो चंद्रमा की परिक्रमा कर रहे थे, तो इसलिए इसका आंसर माइकल कॉलिंस नहीं होगा। आपको आंसर क्या देना है, सिर्फ बी देना है, नील आर्मस्ट्रांग। अब देखिए 24वां क्वेश्चन, अग्नि नाम जुड़ा हुआ है किससे? तो यह जो भारत द्वारा तैयार की गई एक मिसाइल है, इसी से जो है अग्नि नाम जो है जुड़ा हुआ है। अब देखिए 25वां क्वेश्चन, नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ पर है? यह जो है कोचीन में जो है अवस्थित है। अब 26वां क्वेश्चन, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह केंद्र जो है हैदराबाद में अवस्थित है। अगर इसकी उद्देश्य की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य है देश में मिसाइल उत्पादन टेक्नोलॉजी विकसित करना। अब 27वां क्वेश्चन, भारत की प्रथम स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, रुद्रम। और यह जो है 66वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए 28वां क्वेश्चन है कि राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से जो है भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया था? तो देखिए जब इसको जो है लाया गया था विदेश से, फ्रांस से, तो इसको जो है अम्बाला के एयरबेस स्टेशन पर जो है इसको जो सबसे पहले जो लैंडिंग कराया गया था अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन पर, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब 29वां क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सूर्य से। अब 30वां क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण जो है कब किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 18 मई 1974 ईस्वी को। और देखिए यह जो परीक्षण जो हुआ था यह शांतिपूर्ण हुआ था और भूमिगत परमाणु परीक्षण हुआ था। क्यों? क्योंकि इस पर जो है विकसित देश जो है नज़र गराए हुए थे और वे जो है परमाणु परीक्षण जो है नहीं कराना चाहते थे, तो इसलिए जो है इसे जो छिप कर जो यह परीक्षण जो है किया गया था। और वहीं अगर बात करें कि यह जो है परीक्षण जो पहला परमाणु परीक्षण किसके शासनकाल में जो है किया गया था, यह जो तो उस समय के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। और अगर बात करें कि दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया गया, तो यह जो है 1998 में किया गया था और वह भी जो है पोखरण में ही किया गया था, और इसलिए उसका नाम जो पोखरण 2 रखा गया है। और यह परीक्षण जो है अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री के समय जो है किया गया था। अब 31वां क्वेश्चन, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, मतलब बोल रहा है कि कौन सा किरण उत्सर्जित करता है? तो देखिए अल्फा बीटा और गामा किरण तीनों उत्सर्जित करता है, रिलीज करता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब 32वां क्वेश्चन, परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो आपको पता ही है परमाणु बम का सिद्धांत जो है नाभिकीय विखंडन पर जो है कार्य करता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब 33वां क्वेश्चन, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो आप तो देखिए विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम और प्लूटोनियम का जो है उपयोग किया जाता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार ये हो जाएगा यूरेनियम। अब 34वां क्वेश्चन है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण जो है नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। अब 35वां क्वेश्चन है, देखिए कि परमाणु रिएक्टर क्या है? तो परमाणु रिएक्टर जो है एक आणविक भट्टी है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी है। अगर बात करें आणविक भट्टी में क्या होता है, तो देखिए यह आणविक भट्टी में जो है यूरेनियम और प्लूटोनियम जो होता है उस पर जो क्या करता है, तो न्यूट्रॉन से बमबारी करता है और उससे जो है फिर जो है पुनः जो है नया न्यूट्रॉन जो है प्राप्त करता है। अब 36वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन के श्रेणी में नहीं आता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कैडमियम। देखिए थोरियम यूरेनियम और प्लूटोनियम तो आता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैडमियम हो। कैडमियम क्या करता है, नियंत्रित करता है। अब देखिए 37वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो कैल्शियम, कैल्शियम को जो प्रयोग नहीं किया जाता है, यूरेनियम थोरियम और प्लूटोनियम को जो है प्रयोग किया जाता है। अब 38वां क्वेश्चन है, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो आपको पता ही है यूरेनियम और प्लूटोनियम का किया जाता है, लेकिन ऑप्शन में प्लूटोनियम नहीं है, सिर्फ यूरेनियम तो है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब 39वां क्वेश्चन है, परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत है कौन सा? इसका आंसर क्या हो जाएगा, ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन। अब देखिए अब 40वां क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था किसके द्वारा? तो देखिए हाइड्रोजन बम जो है अमेरिका का एक वैज्ञानिक था, एडवर्ड टेलर था, उसी के द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर बात करें कि उन्होंने इस बम को जो है परीक्षण कब किया था, तो 1952 ईस्वी में किया था, और कहां पर किया था, तो प्रशांत महासागर में किया था, और प्रशांत महासागर में किस स्थान पर, तो मार्शल द्वीप में किया था, और किसकी तरफ से किया था, तो अमेरिका की तरफ से। इतना फैक्ट जो आपको याद रखना है। तो जितने भी क्वेश्चन थे, 40 क्वेश्चन थे, सारे को जो इसमें जो है एक्सप्लेन कर दिए हैं। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कॉमेंट करिए, लाइक करिए और डिसलाइक करिए। चलते हैं, गुड नाइट, टेक केयर।